जहां पर प्रोटीन्स ज्यादा बनाए जा रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स। इस इन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स, और जहां प्रोटीन्स कम हो गए हैं इनको हम लोग कहते हैं निगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स, निगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो दो टाइप के प्रोटीन्स हैं, यहां पर इस सिस्टम को रोक दिया गया है और इस सिस्टम को एक्सेसिव एक्टिवेट किया गया है पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स को। और इन दोनों प्रोटीन्स जनरेशन सिस्टम को हम लोग कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। ये दोनों सिस्टम जो है, जो एक तरफ ज़्यादा हो रहा है प्रोटीन प्रोडक्शन, एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स, एक्यूट फेज, यहाँ लिखते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स। अब ये एक्यूट फेज प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स, और ये काम कहाँ करेंगे? जो पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स है, ये जो ग्रोथ माइक्रोब्स हैं, जो जो एंटीजन्स हैं, माइक्रो बैक्टीरियाज, पैरासाइट और अदर माइक्रोब्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेंगे ये प्रोटीन्स, क्योंकि अभी ज़रूरत है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की। और जो निगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं, ये हेल्प करते हैं पॉजिटिव फेज प्रोटीन बनाने में, क्योंकि वो कम हो जाते हैं तो उस मटेरियल का जो ये मटेरियल है, इस मटेरियल का यूज होता है यहाँ, और ये सारे प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इस समय उस माइक्रोब को मारने में, ग्रोथ को रोकने में। तो ये जरूरी है कि ये सारे प्रोटीन बने। अब ये सारे प्रोटीन हैं कौन कौन से, तो एग्जांपल में जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन इस समय इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में ज़्यादा बनने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी रिएक्टिव प्रोटीन इस समय 0.323 mg/dL से ज़्यादा बन रहा होगा, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि CRP का प्रोडक्शन यहाँ से लीवर से बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यह जो ऑक्सिनिन काम करेंगे जाकर और कॉम्प्लीमेंट इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स लीवर से ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, और लीवर से ज़्यादा बनाकर इनको कहाँ ड्रेन कर दिया गया? ब्लड में, इनको ब्लड में ड्रेन कर दिया गया। और ऐसे ही अदर प्रोटीन्स हैं जो पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन्स कहलाते हैं, मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है फ्रॉम द लीवर, जैसे अदर फेरिटिन, सी रिएक्टिव प्रोटीन और फेरिटिन। फेरिटिन क्या है? फेरिटिन कुछ डीएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं जो आयरन को होल्ड करते हैं। जब RBC टूटते हैं तो उसमें से बहुत सारे आयरन्स लीक होकर ब्लड स्ट्रीम में घूमते रहते हैं, वो आयरन्स पॉइजनस है, लेकिन उनको कवर कर देना फेरिटिन का काम, और आयरन्स को कवर कर देते हैं तो फेरिटिन, CRP, फेरिटिन, कुछ अदर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं, कॉम्प्लीमेंट जो इम्यून सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स और फाइब्रिनोजन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, इन्फ्लेमेशन में ज़्यादा बढ़ता है फाइब्रिनोजन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 8, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब इन्फ्लेमेशन, ये सब
कोएगुलेशन इन्हांसर है, प्रोथ्रोम्बिन 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये लोग इन्फ्लामेशन इन्हांसर है। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, तो ये सारे जो प्रोटीन्स है ये पॉजिटिव एक्यूट फेज प्रोटीन कहलाते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए ये सारे प्रोटीन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, फेरिटिन, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन और फैक्टर कोएगुलेटिंग फैक्टर 8, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, कुछ अदर प्रोटीन्स हैं। अब क्योंकि ये लोग पहले उतना नहीं बनाए जाते थे जितना इस समय बन रहे हैं, तो होता क्या है, और जब ज़्यादा बनाए जा रहे हैं तो इस पार्ट के प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स को लेकर ये पोर्शन बनाया जा रहा है, तो मतलब इस पोर्शन में अब कमी आ जाएगी। तो जो कम प्रोडक्टिविटी हो जाती है उनमें सबसे पहला है एल्ब्यूमिन, सबसे पहला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। मतलब ये हुआ कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में अगर इन्फ्लामेशन कंटिन्यू ज़्यादा दिन तक चलता रहा तब एल्ब्यूमिन की कमी होगी और पेशेंट हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया में जाएगा, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। तो अगर इन्फ्लामेशन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मार्कर, ये भी हम लोग मार्क कर सकते हैं कि अगर एल्ब्यूमिन ब्लड में कम है तो हम लोग जरूर सोच सकते हैं कि कोई ना कोई इन्फ्लामेशन चल रहा हो शरीर में, और अगर CRP ज़्यादा है तो हम मार करेंगे कि कोई ना कोई इन्फ्लामेशन चल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो इधर का पोर्शन है इन्फ्लामेशन में सब कुछ बढ़ा होना चाहिए और जितना इधर के पॉइंट हैं ये सारे इन्फ्लामेशन में कम होने चाहिए। और अगर टेस्ट कराते हैं तो ये वाले पॉइंट जो हैं जैसे एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन और अदर कोएगुलेटिंग, सम कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, एंटी कोएगुलेटिंग फैक्टर्स, तो अगर ये सारे कम हैं तो हम लोग इन्फ्लामेशन के लिए उसको समझ सकते हैं कि इन्फ्लामेशन चल रहा होगा। तो एल्ब्यूमिन, ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन और बहुत सारे एंटी थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल ETC। एंटी थ्रोम्बिन मतलब ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लड को थक्का बनने से रोकते थे, एंटी थ्रोम्बिन। यहाँ ज़्यादा रिलीज क्या हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन थक्का बनाते हैं और एंटी थ्रोम्बिन थक्के को ख़त्म करते हैं, ब्लड के थक्के, ब्लड कोएगुलेशन को। अब इसका मतलब है कि एक तरफ प्रोथ्रोम्बिन बढ़ रहा है दूसरी तरफ एंटी थ्रोम्बिन कम हो रहा है। तो ऐसे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में ब्लड क्लॉट्स के बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इस इन्फ्लामेशन में अगर क्लॉट बनेंगे तो थ्रोम्बस बनेगा, और अगर थ्रोम्बस बनेगा तो टूट कर हो सकता है कहीं पर ब्लॉकेज करे और इससे इस्कीमिक कंडीशंस आ सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत बार इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में सडन इन्फेक्शन या इस्कीमिक कंडीशंस आते हैं, उनका कारण भी यही हो सकता है कि थ्रोम्बिन जो प्रोटीन्स है उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और एंटी थ्रोम्बिन्स का प्रोडक्शन कम कर दिया गया है। जिस प्रोटीन से एंटी थ्रोम्बिन बनाया जा रहा था उस प्रोटीन से अब प्रोथ्रोम्बिन ज़्यादा बनाया जा रहा है, रॉ मटेरियल से प्रोथ्रोम्बिन इस समय ज़्यादा बनाया जा रहा है। तो CRP बढ़ा हो, फेरिटिन बढ़ा हो, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स हैं, फाइब्रिनोजन बढ़ा हो या प्रोथ्रोम्बिन बढ़ा हो, ये सब मार्क हैं किसके, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के। और अगर एल्ब्यूमिन कम हो, एंटी थ्रोम्बिन्स कम हो, ट्रांसफेरिन कम हो, तो ये भी मार्क है इन्फ्लामेशन। दोनों पोर्शंस को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ब्लड कोएगुलेटरी फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ ब्लड कोएगुलेटरी एंटी कोएगुलेटरी फैक्टर्स कम हो रहे हैं, यहाँ पर CRP बढ़ रहा है, यहाँ फेरिटिन बढ़ रहा है, यहाँ ट्रांसफेरिन कम हो रहा है। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कम मिलते हैं टेस्ट में और कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो ज़्यादा बढ़े हुए
मिलते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म है कि सीआरपी क्यों और कैसे बढ़ता है। फिर डिस्कस करते हैं सीआरपी के डिफरेंसेस में, सीआरपी और ईएसआर का यूज क्या है और डिफरेंसेस दोनों में। हमेशा सीआरपी और ईएसआर को कोरिलेट किया जाता है। पहले इन्फ्लेमेशन मार्कर के लिए यूज किया जाता था ईएसआर, लेकिन बाद में धीरे धीरे ईएसआर के रिजल्ट्स बहुत बार गलत आने लग गए, तो उनको नॉन स्पेसिफिक टेस्ट माना गया ईएसआर को इन्फ्लेमेशन के लिए। बहुत बार इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है लेकिन सीआरपी नहीं बढ़ रहा होता है, ईएसआर नहीं बढ़ रहा होता है, या बहुत बार ईएसआर बढ़ा आता है और पेशेंट में इन्फ्लामेटरी कंडीशंस नहीं है, तो उसको ईएसआर को नॉन स्पेसिफिक माना गया। और ईएसआर को स्पेसिफाइड करने के लिए सीआरपी टेस्ट बनाए गए, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बनाया गया, सीआरपी टेस्ट बनाया गया, और सीआरपी भी बढ़ा हो और सीआरपी को ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है इन्फ्लामेशन के लिए। तो अगर इन्फ्लामेशन में ईएसआर हो और उसके साथ साथ सीआरपी भी बढ़ा हो तो एक कन्फर्म होता है कि इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है। तो सीआरपी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है फॉर इन्फ्लामेशन। अब बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे ईएसआर किसी पेशेंट में बढ़े हैं लेकिन सीआरपी नहीं बढ़ा है, या सीआरपी बढ़ा है ईएसआर नहीं बढ़ा है, तो दोनों में क्या ऐसे कन्फ्यूजन से उनको हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं। जो ईएसआर है ये डिपेंड करता है, ईएसआर डिपेंड करता है फाइब्रिनोजन के एलिवेशन पे। फाइब्रिनोजन प्रोटीन एलिवेशन पे, ईएसआर डिपेंड्स ऑन फाइब्रिनोजन प्रोटीन एलिवेशन। एक्यूट फेज रिएक्शन में फाइब्रिनोजन भी बन रहे होते हैं, तो ईएसआर तब बढ़ता है जब ब्लड में फाइब्रिनोजन ज्यादा, क्योंकि बिना फाइब्रिनोजन के ईएसआर नहीं बढ़ सकता है। और फाइब्रिनोजन का ब्लड में जो हाफ लाइफ है, मतलब ब्लड में अगर वो सिक्रीट होकर आ जाएं तो उनका हाफ लाइफ, फाइब्रिनोजन्स का हाफ लाइफ है लगभग 7 दिन, अप्रोक्सीमेटली 7 डेज हाफ लाइफ ऑफ ईएसआर। हाफ लाइफ मीन्स कि जितनी भी क्वांटिटी उनकी है कितने दिन में वो उससे आधा हो जाएंगे। जैसे अगर 40 mm ईएसआर है तो 20 mm वो कितने दिन में हो जाएंगे, तो एक एवरेज माना गया अप्रोक्सीमेटली 7 डे उनको लगता है हाफ होने में। तो जो इनका हाफ लाइफ है वो 7 डे है फाइब्रिनोजन्स का, फाइब्रिनोजन्स का अप्रोक्सीमेटली 7 डे है। मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्लड स्ट्रीम में लीवर से आ जाए, साथ में प्रोड्यूस हो और ईएस और जो फाइब्रिनोजन्स हैं ये ब्लड में 7 दिन तक बने रहे और 7 दिन तक ये ना ख़त्म हो। दूसरा क्या है कि जो सीआरपी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये स्पेशली डिपेंड करते हैं साइटोकाइन, साइटोकाइन एक्टिव स्टिमुलेशन पे, साइटोकाइन रिएक्शंस पे। और सीआरपी का जो हाफ लाइफ है वो लगभग है 7 आवर, सिर्फ 7 आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 7 घंटे में हाफ लाइफ इनकी है और 7 घंटे में ये ख़त्म हो जाते हैं, 7 घंटे में ये नॉर्मल हो जाते हैं। तो ज़्यादा दिन तक कौन ब्लड, ज़्यादा समय तक ब्लड में कौन बन पाया, फाइब्रिनोजन। और जो सीआरपी प्रोटीन्स हैं ये इनकी एज 7 आवर है और इनकी एज लगभग 7 दिन है। तो ब्लड में 7 दिन तक ईएसआर बना रहता है, ईएसआर नहीं फाइब्रिनोजन बने रहते हैं, और ये सिर्फ 7 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 7 आवर। इसका मतलब है कि जो फाइब्रिनोजन्स हैं दे आर रिमेन्स लॉन्गर इन सर्कुलेशन और दे आर रिमेन्स शॉर्टर इन सर्कुलेशन फॉर शॉर्ट टाइम। अब ये कहा जाए कि किसी को इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो तो ज़्यादा समय तक कौन बढ़ा रह सकता है, सीआरपी या ईएसआर?
अगर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो, क्योंकि 7 दिन तक फाइब्रिनोजन बना रह सकता है और सिर्फ 7 घंटे तक सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो अगर किसी को इन्फ्लेमेशन हो तो ज़्यादा समय तक, ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक अगर इन्हांसिव एक्टिवेशन के साथ बना रहेगा तो रहेगा फाइब्रिनोजन, और फाइब्रिनोजन अगर बना रहेगा तो इसे ESR आपको बढ़ा मिलेगा। जो CRPs हैं ये पहले आते हैं फाइट में, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में, लेकिन पहले चले जाते हैं, ये अर्ली आते हैं और अर्ली जाते हैं। तो पहले आपको मिलेंगे भी ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जैसे होगा और आप इन्वेस्टिगेट कराएंगे तो हो सकता है कि उस समय CRP आ गए हो फाइट में, लेकिन अभी फाइब्रिनोजन नहीं आए हो, क्योंकि फाइब्रिनोजन थोड़े लेट आते हैं। तो किसी को एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा तो उसमें आपको CRP बढ़ा मिलेगा, लेकिन हो सकता है ESR ना मिले, उस समय तक फाइब्रिनोजन इतने नहीं आए हैं कि सेडिमेंटेशन ज़्यादा हो पाए, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। लेकिन जैसे ही आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेंगे तो CRP, क्योंकि इनकी एज कम है तो CRP तुरंत कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर वो इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो CRPs तो कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे फाइब्रिनोजेंस रिलीज होने शुरू हो जाएंगे और ये इन्फ्लामेशन क्रॉनिक हो जाएगा। तो उस समय आपको CRP हो सकता है कि ना मिले, लेकिन ESR मिलेगा, क्योंकि वो लेट फेज में आते हैं फाइब्रिनोजेंस और CRP अर्ली फेज में आ जाते हैं। तो हम सब मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो CRP है वो एक्यूट फेज रिएक्शन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन मार्कर है, और जो ESR है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मार्कर है। एक्यूट फेज मार्कर और क्रॉनिक फेज, एक्यूट इन्फ्लेमेशन मार्क, इन्फ्लेमेटरी मार्कर और क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर, इनको हम लोग मान सकते हैं। मान लेते हैं कि दोनों बढ़े हों, तो इसका मतलब है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी चल रहा है और साथ साथ में एक्यूट रिएक्शन भी हो रहे हैं, कुछ अदर न्यू सेलुलर डिस्ट्रक्शंस भी हो रहे हैं। मान लेते हैं किसी में ESR बढ़ा हुआ है और CRP नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब है कि एक्यूट सेलुलर इंजरी नहीं हो रही है, लेकिन क्रॉनिक इंजरी अभी भी मेंटेन है, इस वजह से ESR बढ़ा हुआ है। मान लेते हैं किसी में CRP बढ़ा हो और ESR नॉर्मल हो, तो इसका मतलब है कि एक्यूट सेलुलर इंजरी हो रही है लेकिन क्रॉनिक इंजरी नहीं हुई है। तो कुछ कंडीशंस तो ये हैं इनके दोनों के कंफ्यूजिव मैटर्स कि क्या क्या कब हो सकता है। कुछ क्लियर हो पा रहा है CRP और ESR? क्यों? तो सी रिएक्टिव प्रोटीन CRPs क्या हैं? एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में जल्दी आते हैं, लेकिन डिसअपियर भी जल्दी होते हैं। और जो ESR हैं वो लेट फेज में आते हैं और लेट फेज में जाते हैं, इनको समय लगता है, थेरेपी चलने के बाद भी नॉर्मल होने में ESR को समय लगता है, क्योंकि ये फाइब्रिनोजन्स हैं, फाइबर्स हैं, और इनको हटने में समय लगता है वहाँ से। कुछ लाइंस लिख सकते हो ये, जैसे CRP इज ए मोर सेंसिटिव टेस्ट, मोर सेंसिटिव एंड अक्यूरेट। CRP इज ए मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ एक्यूट फेज रिस्पॉन्स देन ESR, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स देन ESR। नेक्स्ट लाइन, ESR मे बी नॉर्मल वाइल CRP इज एलिवेटेड, हो सकता है ESR नॉर्मल हो लेकिन CRP बढ़ा हो सकता है किसी भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में, क्योंकि CRP ज़्यादा सेंसिटिव है। और थर्ड पॉइंट, CRP रिटर्न्स टू नॉर्मल मोर क्विकली, CRP रिटर्न्स टू नॉर्मल मोर क्विकली देन ESR इन रिस्पॉन्स टू थेरेपी। CRP रिटर्न्स टू नॉर्मल मोर क्विकली देन ESR इन रिस्पॉन्स टू थेरेपी। इसका मतलब ये है
किसी को इन्फ्लामेशन हो, सीआरपी ईएसआर दोनों बढ़ाओ। और जब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आप चलाते हैं तो सीआरपी जल्दी जा नॉर्मल कंडीशन में पहुंच सकते हैं, जबकि ईएसआर को समय लगेगा क्योंकि फाइबर्स नहीं हट पाते इतनी जल्दी। और सीआरपी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो वहाँ से सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं तो वो हट जाते हैं और सीआरपी नॉर्मल हो जाते हैं, लीवर उनका प्रोडक्शन कम कर देता है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है आपका सीआरपी और ईएसआर का, एक शॉर्ट लेक्चर था जो सीआरपी और ईएसआर के लिए डिजाइन किया गया था। कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नए लेक्चर्स टॉपिक शुरू होंगे, जैसे अभी है मुझे डी डाइमर और ये सब कराना है, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और भी होंगी, उसके लिए लेक्चर डाले जाएंगे, भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए शॉर्ट लेक्चर इतना ही, बाकी हम लोग अगले टॉपिक्स में पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें। सीआरपी घटाने के लिए कोई स्पेशल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। सीआरपी में आप एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो भी सूजन में दवाइयाँ यूज करते हैं इन्फ्लामेशन में, जैसे आपके कॉक्स इनहिबिटर्स जैसे कौन कौन सी ड्रग्स हैं आपके, जितने भी ये सब एसिक्लोफेनक और डाइक्लोफेनक ये सब जो यूज करते हो सूजन कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए, ये सारी दवाइयाँ जैसे ही आप कोई दवाइयाँ दोगे तो वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, तो सीआरपी अपने आप ही कम होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो साइटोकाइंस को सप्रेस कर देते हैं, इंटरल्यूकिन 6 को सप्रेस कर देते हैं, इंटरल्यूकिन 6 को लीवर पे जाकर काम करने नहीं देते और लीवर